नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, आज तारीख है 13 अक्टूबर 2024। जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, जो सिवान के समस्त जिलावासी हैं, या ऐसे बच्चे जो इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। कुछ नए नोटिफिकेशन जो इग्नू विश्वविद्यालय की ओर से आए हुए हैं, मैं उसको शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो तमाम बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी 2024 सेशन में अपने अपने दाखिले को लिए हुए हैं इग्नू विश्वविद्यालय में, उनके परीक्षा फॉर्म भरने की जो तारीख है, ये जो लास्ट डेट है, ये 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। इसके अलावा जनवरी 2023 सत्र वाले जो बच्चे हैं जिनको सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं, उनकी भी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 है। ऐसे ही जनवरी 2022 सत्र वाले जो बच्चे हैं, उनके भी परीक्षा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024 है। तो ध्यान से सुन लीजिए, परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, ये इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। इसके बाद जो भी परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें ₹1100 का लेट फाइन चार्जेज लगेंगे। ये हमारा नोटिस नहीं है, ये इग्नू विश्वविद्यालय की नोटिस है। तो जो भी आप परीक्षा फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप कराए हैं, तो फिलअप करा लें। और ऐसे तमाम छात्र छात्राएं जो जून जुलाई में इस वर्ष परीक्षा दिए हुए थे, कुछ पेपर में उनके बैक लगे हुए हैं, उसके भी परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 है। चाहे आपका 2 पेपर में बैक लगा है, 4 पेपर में बैक लगा है, आप समय निकाल के हमारे पास आए हैं। और बिल्कुल लास्ट डेट का वेट ना करें। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट डेट का वेट करते हैं। लास्ट डे में कभी कभी सर्वर नहीं चलती है, वेबसाइट नहीं चलती है, तो उनका काम अधूरा रह जाता है, फिर उनको फाइन दे के फॉर्म फिलअप कराना होता है। तो ध्यान से सुन लें, परीक्षा फॉर्म इग्नू विश्वविद्यालय में 15 अक्टूबर तक भरे जा रहे हैं। इसके अलावा जो नए दाखिले जो अभी लिए जा रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, जो तमाम कोर्सेज में जो अभी दाखिले चल रहे हैं इग्नू विश्वविद्यालय के, इसकी भी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित की गई है। तो जो भी बच्चे या जो छात्र इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऑफिस कल खुला हुआ है, कल आप हमारे सेंटर पे आएं और अपना अपना दाखिला कराएं। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, आप जो एडमिशन लेते हैं वो बिल्कुल ऑथराइज जगह से आप एडमिशन लें, और प्रयास यही करना चाहिए आपको, ऐसे संस्था से एडमिशन लें जिसको कई वर्षों का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, और वहाँ छुट्टी कम से कम होती हो। इसमें हमारा महाकाल कंप्यूटर्स सर्वप्रथम आता है। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जो गांव में, कस्बे में, अलग अलग प्रखंड कार्यालय के ऊपर जो ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पे जाके एडमिशन लेते हैं। उससे होता क्या है, एक तो उनका प्रॉपर आई कार्ड नहीं आ पाते हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। जो लोग एडमिशन करते हैं उनको इग्नू विश्वविद्यालय का पूरा अनुभव नहीं होता है। आप इन चीज़ों से बचें। अगर आपको दाखिला लेनी है तो सीधे महाकाल कंप्यूटर पे आए, जो हमारा ऑफिस है, जो कि सिवान डीएवी कॉलेज के पास में पंच मंदिरा चौराहे से दाहिने हमारा ऑफिस है। हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपने कार्यालय में रहते हैं। अपना दाखिला लें, असाइनमेंट जमा करें। और ऐसे तमाम बच्चे जो अभी तक असाइनमेंट्स लेके तो गए हैं लेकिन असाइनमेंट्स डिपॉजिट नहीं किए हैं, मैं उन तमाम छात्रों से, छात्राओं से अपील कर रहा हूं, अपने अपने असाइनमेंट्स को यथाशीघ्र, यानी जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट्स को हमारे कार्यालय में ला के डिपॉजिट करें।
अगर आप असाइनमेंट को टाइमली डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं ये इनकम्प्लीट शो करेंगे, जिससे आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जिन बच्चों ने मार्च, अप्रैल, मई, जून में अपने अपने असाइनमेंट्स को हमारे कार्यालय में डिपॉजिट किए थे या पिछले वर्ष डिपॉजिट किए थे, अगर किसी पेपर में उनका नंबर नहीं आया है, एक पेपर में, चार पेपर में, पांच पेपर में, उन तमाम छात्रों से मैंने पहले भी अपील किया और आज भी अपील कर रहा हूँ, वो लोग हमारे पास 17, 18, 19, 20 अक्टूबर को, यानी 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, ये 7 दिन का उनको मैं समय दे रहा हूँ, अपना रसीद और आई कार्ड लेके आए, उनके असाइनमेंट निश्चित तौर पे हम लोग कंप्लेन करेंगे, उनके मार्क्स असाइनमेंट्स के अपडेट कर दिए जाएंगे। और असाइनमेंट्स जो आप हमारे पास डिपॉजिट करते हैं उसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड असाइनमेंट स्कैन करवा के उसको डिपॉजिट करते हैं, उसमें 95% बच्चों के असाइनमेंट नंबर अपडेट कर दिए जाते हैं। कुछ बच्चों के नंबर जो अपडेट नहीं करते हैं तो कंप्लेन करना पड़ता है, आपका भी नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। यही सब था इस वीडियो में, इस वीडियो को आपने अंत समय तक देखा, इसके लिए थैंक्स, थैंक यू, नमस्ते।